नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर को बता रहे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को कोरोना हो गया है। रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। रमेश का कहना है कि डॉक्टर की सलाह से उनका इलाज चल रहा है, साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की है। और उनका ये भी कहना है कि शिक्षा मंत्रालय का काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना संक्रमित हो गए हैं। निशंक ने इस बात की जानकारी खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, डॉक्टर की सलाह से मेरा इलाज चल रहा है। जो भी लोग हाल के दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, सावधान रहे और अपना अपना टेस्ट करवाए। उन्होंने साथ ही कहा कि शिक्षा मंत्रालय का काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जो नेता है, मंत्री है, कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और अब इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय का काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें कोरोना हो गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना संक्रमित हो गए हैं, डॉक्टर की सलाह से उनका इलाज चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग का जो भी काम है वो सामान्य रूप से चलता रहेगा। इसके अलावा निशंक ने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की है, सावधानी बरतने की अपील की है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना का कहर देश भर में जारी है, लगातार नेता और मंत्री भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद ट्वीट करके उस बात की जानकारी दी है कि उन्हें कोरोना हो गया है, साथ ही डॉक्टर की सलाह से उनका इलाज चल रहा है। और उनका ये भी कहना है कि कोरोना संक्रमित होने के बावजूद जो शिक्षा विभाग है उसका काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। इसके अलावा निशंक ने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील भी की है। बड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। साथ ही उन्होंने जो भी लोगों के संपर्क में आए हैं बीते दिनों में, उनसे कोरोना जांच करवाने की अपील की है, सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही निशंक का कहना है कि डॉक्टर की सलाह से उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित होने के बाद रमेश पोखरियाल निशंक होम आइसोलेशन में चले गए हैं। और इनका ये भी कहना है कि शिक्षा मंत्रालय का काम, जो सारा काम है, वो सब सामान्य रूप से चलता रहेगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को कोरोना हो गया है। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही उनका कहना है कि डॉक्टर की सलाह से उनका इलाज चल रहा है और शिक्षा विभाग का सारा काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को कोरोना हो गया है।